लगभग 14 महीने के किसानों के संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 5 जून 2020 को भारत सरकार ने तीन कृषि विधेयकों को संसद के पटल पर रखा था। इसको लेकर 14 सितंबर 2020 को संसद में अध्यादेश पेश किया गया, फिर 17 सितंबर 2020 को अध्यादेश को लोकसभा से मंजूरी मिली, 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ही यह अध्यादेश ध्वनिमत से पारित हो गया। बिल के विरोध में 24 सितंबर 2020 को पंजाब के किसानों ने 3 दिन के लिए रेल रोको आंदोलन किया। 25 सितंबर 2020 को देशभर के किसानों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन शुरू किया। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये बिल कानून बन गया और इसे गजट में प्रकाशित किया गया। 25 नवंबर 2020 को किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली आ रहे किसानों को अम्बाला में रोकने का प्रयास किया गया, बात नहीं बनी और दिल्ली पुलिस ने संगठनों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं को खाली करने के बदले किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया। 29 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन कानूनों को और अपनी सरकार को कृषि व किसान हितैषी बताया। 3 दिसंबर 2020 को पहली बार सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई पर बेनतीजा रही। 5 दिसंबर 2020 को दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। 8 दिसंबर 2020 को किसानों ने भारत बंद का आयोजन किया। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में 3 कृषि कानूनों को चुनौती दी। 7 जनवरी 2021 को कृषि कानूनों के विरोध में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 11 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने मामले को सुलझाने के लिए समिति का गठन किया। 12 जनवरी 2021 को अदालत ने तीनों कानूनों पर रोक लगाई। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली आयोजित की, लेकिन दोपहर होने तक रैली ने विकृत रूप ले लिया। 4 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने आंदोलन उकसाने वाले कुछ सेलिब्रिटी के व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया। इसमें इंटरनेशनल पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग और वकील मीना हैरिस का नाम भी शामिल था। 5 फरवरी 2021 को टूल किट मामले का खुलासा होने पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ आपराधिक साजिश और देशद्रोह का मामला दर्ज किया। 6 फरवरी 2021 को आंदोलनरत किसानों ने देश भर में चक्का जाम किया। 9 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित ट्रैक्टर रैली में हिंसा बढ़ाने के आरोप में पंजाबी अभिनेता दीप संधू को गिरफ्तार किया गया। 18 फरवरी 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन किया। 15 सितंबर 2021 को दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में लाल किले में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को सुनियोजित साजिश बताया गया। और फिर 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस मामले में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर कानूनी हिरासत में भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।